नमस्कार, मैं इमरान हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं आरएन टुडे न्यूज़। मुंबई बॉलीवुड के फेमस निर्माता निर्देशक डॉक्टर कृष्णा चौहान ने महात्मा गांधी रत्न अवार्ड 2024 का सफल और शानदार आयोजन किया। केसीएफ फाउंडेशन के अंतर्गत गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2024 को अवार्ड शो महात्मा गांधी रत्न अवार्ड 2024 मेयर हॉल अंधेरी पश्चिम मुंबई में किया गया। ये इस अवार्ड का चौथा साल रहा, जहां मुख्य अतिथि के रूप में मशहूर एक्टर सुरेंद्र पाल, आईजी मोहन राठौड़, एसीपी संजय पाटिल, सुनील पाल, धीरज कुमार, दिलीप सेन, सानंद वर्मा, के स्वामी, बीएन तिवारी, शशि शर्मा, मंजू लोधा, डॉक्टर मुस्तफ़ा, यूसुफ गोम, ब्राइट आउटडोर मीडिया लिमिटेड सहित कई निर्माता, निर्देशक, संगीतकार, समाज सेवक की विशेष उपस्थिति रही और वे सभी इस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किए गए। प्रतिष्ठित मेहमानों ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की। सभी ने महात्मा गांधी को नमन किया। भारती छाबड़िया ने प्रोग्राम की एंकरिंग की और उन्हें अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। जेके तिवारी, संगीता जोशी, प्रियंका मालवीय, नीतू वाधवा, सुधीर जी, एक्टर विजेंद्र, हिमांशी साहिबा, शशि शर्मा, सिंगर दीपक गिरी, लक्ष्मी गोस्वामी, समीरा शेख, सोशल वर्कर डॉक्टर योगेश लखानी, सामू ग्रह सिंह, सोना सिंह मॉडल, करिश्मा शेख सिंगर, सिंगर एन के नरेश, एडवोकेट हीना मिस्त्री, खुशबू, नीरव गाला, आर राजपाल, सागर आचार्य सिंगर, वैष्णव देवा, अजय राजा, राजेश घायल, पवन तौरी, गांधी जी के गेटअप में जाहिद खान, सलमान नासिर खान, शिक्षाविद कैप्टन मोइन, प्रीति वर्मा मॉडल, चंदा वीरानी, सोनू श्रीवास्तव, डॉक्टर यशोदा सोलंकी, नरेश रॉक्स, मेघा हेमदेव, चित्रा देवी जमातिया, अनुपम शक्ति, पूजा मेहता सहित कई हस्तियों को अवार्ड से सम्मानित किया गया। निर्माता निर्देशक धीरज कुमार ने आयोजक डॉक्टर कृष्णा चौहान को इस प्रोग्राम के आयोजन के लिए बहुत सारी बधाई दी और कहा कि वह पिछले 4 साल से इस कार्यक्रम का आयोजन करते आ रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करने के लिए डॉक्टर कृष्णा चौहान इस पुरस्कार समारोह का आयोजन करते आ रहे हैं। निर्माता निर्देशक और केसीएफ फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णा चौहान ने इस कार्यक्रम में सत्य व अहिंसा के पुजारी बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद यह पुरस्कार समारोह शुरू हुआ। डॉक्टर कृष्णा चौहान ने सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि आज हमें महात्मा गांधी जी के आदर्शों पर चलने की आवश्यकता है। गांधी जी के विचारों से प्रेरणा लेकर हम सबको सच्चाई की राह पर चलने की ज़रूरत है और अपने कर्म करने चाहिए। इस अवार्ड शो में कई महत्वपूर्ण हस्तियों को सम्मानित किया गया और सभी ने केसीएफ फाउंडेशन की इस पहल को बेहतरीन कदम बताया। देखते रहिए आरएन टुडे।